उस कविता को आज आपको सुना रहा हूं, जिसे सुनते ही रूह कांपती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समाज का जो चिंतन, समाज की जो समझ उनके पास थी, वो निसंदेह जबरदस्त थी, और उसी पे हम लोग आज इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। कुछ गलतियां हो तो माफ कीजिएगा, कि आइए और महसूस कीजिए जिंदगी के इस ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा। आप कहते हैं सरापा गुलमोहर है जिंदगी, हम गरीबों की नजर में एक गहर है जिंदगी। भुखमरी के ताप से कुमला गई अस्मत की बेल, मौत के लम्हात से भी तलख तर है जिंदगी। तो आइए और महसूस कीजिए जिंदगी के इस ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा। जिस गली में भुखमरी की यातना से उबकर मर गई खुलिया बिचारी एक कुएं में डूबकर, है सभी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी वह भयभीत है, हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल तक यह बाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का राज कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही घुट गई, छटपटाई पहले ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में थकब का ढल गया, वासना की याद में कौमार्य उसका जल गया, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछते बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है, कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है कि होनी कहकर हम टाला करे, और ये दुश्मन बहु बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सोजा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी अब मेरे प्रतिशोध से, पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो रहे थे सरपंच के दालान में, दृष्टि जिनकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर, का कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया, कहती है सरकार की आपस मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो, देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ, जैसे बरसाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पर रखने देती है मंगरूर है, भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी की पा गई, वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मर्दूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है, कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया, क्षणिक आवेश जिसमें
हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका नाम मंगल हो वह व्यक्ति सामने आए। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी कैसा माल उसने जैसे ही कहा, एक लाठी सिर फिर पड़ी वह होश फिर खोता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगे ने कहा ललकार कर। मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और प्रतिशोध की आधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुदमुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां घेरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देखकर बेहोश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द की फूल से झरते, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपनी रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरेकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आइए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या हिंसा की जहां है नथ उतारी जा रही। हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। सत सत नमन है अदम गुंडरी साहब को, क्या लिखते थे, लेखनी में रक्त उतर आता। सलाम अदम गुंडरी।